पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने अब बाढ़ का रूप ले लिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। ऐसे में नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है तो वहीं बाढ़ के पानी के साथ बहकर आ रहा मलबा भी तबाही मचा रहा है। पहाड़ों में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश जारी है। चमोली में नदियां उफान पर आ गई हैं। अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से जल विद्युत परियोजना बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। वहीं विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली दोनों नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। इसके साथ ही कर्णप्रयाग में पिंडर नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। प्रशासन की टीम ने नदी किनारे रह रहे लोगों से ऊंचाई वाली जगह पर जाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। आप देखें तस्वीर में जो अलकनंदा नदी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो विष्णुप्रयाग जो घाट है वो इस समय जलमग्न हो गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रेलिंग है वो भी यहाँ पे पूरी बह चुकी है। और अगर हम देखेंगे दूसरी तरफ, आप देखें धौली नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से विष्णुप्रयाग जो घाट है वो अब लगभग पूरा जलमग्न हो चुका है। आप देखिए जब भी पहाड़ों में बारिश होती है, जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे इसी तरीके से बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाती है। कल देर रात से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जो पुजारी यहाँ पे उनसे बात करेंगे, सूरज ठकलानी हमारे साथ मौजूद है। जी बताएं किस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है। काफी बारिश होने के कारण जो है यहाँ पे जो है अलकनंदा का तेज पानी आ रहा है और धौली गंगा का भी जो है तेज पानी चल रहा है यहाँ पे। कल से लगातार बारिश, लगातार बारिश के कारण जो कल से पूरा नुकसान होकर इधर रह गई है, पूरा रेलवे रूम सब बह गई इधर। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार नदियों का जो जलस्तर है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो पहाड़ों में अलर्ट जारी किया हुआ है उसका साफ असर यहाँ पे देखा जा सकता है। कुमाऊं में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। रामनगर में बरसाती नाले उफान पर हैं। मोहान के पास एक कार बरसाती नाले में फंस गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गदेरे उफान पर हैं। प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि नालों के उफान को देखकर ही उसे पार करें। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी पिथौरागढ़ में चेतावनी स्तर के पार जा पहुंची है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने धारचूला, बलुआ कोट, जोल जीबी और द्वाली सेरा में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं गोरी नदी भी चेतावनी स्तर के पास पहुंच गई है। कोटद्वार भाबर क्षेत्र का एक बार फिर बाजार से संपर्क टूट चुका है। पिछली बरसात में मालन नदी पर बना पुल ढह गया था, तो वहीं अब नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग भी ध्वस्त हो गया है। देर रात से हो रही बारिश के चलते नदी पर ह्यूम पाइप से बना वैकल्पिक रास्ता भी ढह गया। बारिश के बीच बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया है। भनीरपानी, पीपल कोटी, कंचनगंगा के पास हाईवे बंद है। पहाड़ से भारी मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। वहीं प्रशासन की टीम सभी जगहों पर हाईवे को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से हाईवे को खोलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। यहां मोरी में तेज बारिश जारी है। वहीं बारिश के बाद भारी मलबा पहाड़ी से आया है, जिससे त्यूनी पुरोला नौगावा सड़क बंद हो गई है। खरसाड़ी के पास मलबा आया है। वहीं मलबे की चपेट में एक कार भी आ गई, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पहाड़ों पर हो रही बारिश से ऋषिकेश में बीन नदी उफान पर है, जिसके चलते यमकेश्वर के कई गांवों का संपर्क ऋषिकेश से कट गया है।
ऋषिकेश हरिद्वार वाया चीला सड़क मार्ग भी नदी के उफान की वजह से कट गया है। ऋषिकेश बैराज पर पुलिस प्रशासन किसी भी गाड़ी को हरिद्वार नहीं जाने दे रहा है। SDRF को मौके पर तैनात कर दिया गया है, यानी आने वाले कुछ दिन पहाड़ों में सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर बिहार के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया है। देखिए रिपोर्ट। बारिश, बाढ़ और जलजमाव। नदियों में उफान, जनता परेशान। दरिया बनी सड़कों की यही कहानी। बिहार में हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दिला दी, लेकिन यही बारिश अब बिहार वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तेज बहाव के कारण कटाव से कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के खतरे के बीच लोग जीने के लिए मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण शिवहर के बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर रही है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी और शिवहर जिले के बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यह शिवहर जिले का बेलवा घाट है जहां पर बागमती नदी गुजरती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, बागमती नदी कल तक प्यासी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है और बागमती नदी विकराल रूप तैयार करती जा रही है और बाढ़ की संभावना लगातार प्रबल होती जा रही है। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए, ये है पश्चिम चंपारण में बहने वाली गंडक नदी। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी रिलीज होने के बाद गंडक नदी भी रौद्र रूप धारण करती जा रही है। पानी का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर दबाव बनने लगा है, जिससे आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बारिश के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव भी जारी हो रहा है। जैसे जैसे बारिश हो रही है, वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और बारिश रुकने के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट भी जारी हो गई है। तो लगातार जिस तरह से नेपाल में 24 घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद जलस्तर बढ़कर 1,26,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही नेपाल के कई इलाकों में बारिश थमी है, उसके बाद धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर गिरा है और यह नीचे 86,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो जैसे जैसे बारिश हो रही है, वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर जरूर बढ़ रहा है। बारिश में नदियों का जलस्तर बढ़ना, कटाव होना और फिर बिहार का एक बड़ा हिस्सा हर साल इसी तरह बाढ़ की चपेट में आना, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन आज तक बाढ़ से निपटने का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। शिवहर से राकेश रंजन और पश्चिम चंपारण से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।